हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रीति शुक्ला। वेलकम टू पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक ऊष्मा गति की चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ऊष्मा धारिता को पढ़ा था कि ऊष्मा धारिता क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, स्थिर आयतन व स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता। तो इसको सबसे पहले हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता को निकालेंगे, फिर हम उसके बाद स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे इसमें कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे, फिर इसके डेरिवेशन को हम करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसमें बाद में हम रिलेशन को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या होता है, तो ऊष्मा जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मा बोलते हैं, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर आयतन यानी वी, ठीक है, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ का वन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक है। फिर से सुन लीजिए, ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उस पदार्थ की स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा धारिता कहलाती है। इसे हम सी और वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी और वी से डिनोट करते हैं। तो हम इसी के डेरिवेशन को समझेंगे। तो सी और वी क्या होता है, सी वी इक्वल होता है, हमने क्या कहा है, किस ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक है। क्या बढ़ा रहा है, टी क्यू बी, और कितना बढ़ाएगा, या तो वो टी टू से टी वन बढ़ाएगा। पहले भी हम लोग इसको हीट कैपेसिटी में पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या लिख लेंगे, टी लिखेंगे। इस फॉर्मूले को हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। यदि ऊष्मा गति का हम प्रथम नियम लगाएं, ये हो गया है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यदि हम इसमें सबसे पहले ऊष्मा गति के फर्स्ट लॉ को हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा ऊष्मा गति का क्या है, प्रथम नियम जिसे हम बोलते हैं, ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, ऊष्मा गति की प्रथम नियम अनुसार देख लेते हैं इसे। तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या था हमारा, डी क्यू वी इक्वल डी यू वी प्लस पी डी वी, ठीक है, ये हमारा ऊष्मा गति का प्रथम नियम था। अब हमें इसे क्या करना है, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, इसमें इस वैल्यू को रखना है, कहाँ, इसको यहाँ पर इसको पुट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, समीकरण इसमें समीकरण दो को समीकरण फर्स्ट में हमें पुट करना है। तो इसको सी वी क्या था, सी वी, अब इसकी जगह क्या रख देंगे हम, इसको रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, डी यू वी प्लस पी डी वी अपॉन में क्या था हमारा, डी टी, ठीक है, ये रख दिया। अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो आयतन है हमारा, यहाँ जो आयतन है ये वाला, ठीक है, इस आयतन को हमें स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसलिए आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा, यदि हम डी वी बराबर क्या रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वी, देखिए ये हमने अगर यहाँ रखा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी पूरी वैल्यू, तो यहाँ बचेगा क्या, टी यू वी, ये वाला,
बी यू बी, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, क्या बचा है हमारे पास, ये टी टी, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये साफ कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सी वी बराबर डेल, डेल कितना था यू, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, आ गया है। और जो हमारा बी है वो क्या है, स्थल आयतन यानी बी आ। ठीक है, इस तरह हमारा हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट निकला है। ये क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट निकला है कि स्तर दाब पर क्या निकला है, स्तर आयतन पर ऊष्मा धारिता निकली है ये हमारी। ठीक है, इसको एक तरह से और हम कर सकते हैं, ये तरीका तो है ही, दूसरे तरीके से हम इसको, यही वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जो कि हमने ऊष्मा धारिता का नियम पढ़ा ही है, क्यू बराबर हमारा क्या होता है, क्यू बराबर हमारा होता है डेल यू प्लस डब्ल्यू था। यहाँ हमें क्या करना है, जो डब्ल्यू है उसको हमें कॉन्स्टेंट रखना है, जीरो रख देना है। अब जीरो रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू बराबर डेल यू आ जाएगा। ठीक है, डेल यू आ जाएगा, तब हम इसमें क्यू का मान किस में रख देंगे, उस वैल्यू में रख देंगे, सी पी वाली वैल्यू में, जो पहले थी यहाँ पर सी पी वाली वैल्यू में रख देंगे। तो सी पी, सी बी सॉरी सी पी नहीं सी बी, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, तो सी बी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू, और हमारा टी क्या था, जो कि हमने हीट कैपेसिटी में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, टी टू माइनस टी वन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू, डेल क्यू और डेल टी लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम इसको निकालें तो यही वैल्यू हमारी इसमें लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या आ जाएगा, अब हमें निकालना है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को निकालेंगे, फिर हम उसमें रिलेशन करवाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका ये पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट डालूंगी, जिसमें हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकालेंगे। अभी क्या निकाला था हमने, हीट कैपेसिटी जो निकाला था वो